हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैं आपको बताया था कि जो एक झांकी में जो करेक्टर लगाते हैं, जो मूर्ति वगैरह लगाते हैं, वो मूर्ति कैसे बनता है और किस प्रोसेस से बनता है, उसके बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ किया था। यहाँ पर भी आप कुछ देख सकते हैं। ये जो कारीगर जो अंकल है, वो एक मूर्ति है जो शंकर भगवान की मूर्ति है, उस पर कितने बारीकी से पेंट कर रहे हैं और बहुत ही बारीक वाला काम है। हल्का सा भी मिस्टेक इनको बहुत लॉस पहुंचा देता है और शुरू से इनको प्रोसेस करना पड़ता है। जब ये पेंटिंग वगैरह हो जाता है तो इन लोग क्या करेंगे, उसके बाद इस जो मूर्ति रहेगा उस पर एक फिनिशिंग टच देते हैं, जिससे जो मूर्ति का जो शाइनिंग है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो मैं ये वीडियो का पहला पार्ट था उसमें मैं आपको एकदम क्लियर किया हूँ कि कैसे इस पे वर्क होता है और थोड़ा डिटेल पे भी बताया हूँ। यहाँ पर अभी लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति को बस एक स्प्रे के थ्रू थोड़ा शाइनिंग दे रहा है, जिससे जो लाइट के रिफ्लेक्शन रहेगा वो हमारे तक बेटर वे पे पहुँच पाए। क्लियर है गाइस आपको? ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे एक झांकी को बनाया जाता है, प्लस कैसे उस पर वर्क किया जाता है। देखिए गाइस, जहाँ पर भी झांकी बनने का काम होता है, जैसे यहाँ पर बनने का काम हो रहा है झांकी, तो इनके पास बहुत ही बड़ा स्पेस है और ये स्पेस का अच्छी तरीका से यूज़ भी करते हैं। क्या यूज़ करते हैं कि जितना भी इन लोगों का प्रीवियस वर्क हो चुका है झांकी से रिलेटेड या फिर इस फील्ड से रिलेटेड, तो इन लोग क्या करते हैं, जितने भी मूर्ति बनाते हैं, अब मूर्ति बनाने में तो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो जितना भी इन लोग मूर्ति वगैरह बनाएंगे, करेक्टर वगैरह बनाएंगे, तो इन लोग क्या करते हैं, सब करेक्टर मूर्ति को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके इसलिए रखते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर आपको शेर का जो मूर्ति है वो दिख रहा है। फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पर जो शिवलिंग है, देखिए यहाँ पर आपको शिवलिंग का जो करेक्टर है, मूर्ति है, वो दिखेगा आपको। तो इन लोग क्या करेंगे, पूरा मूर्ति को इन लोग स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके इसलिए रखते हैं कि सपोज़ कुछ डिमांड आ जाता है सडनली इनके पास, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ झांकी वगैरह बनाना है इनको, तो ये जितने भी मूर्ति वगैरह स्टोर करके रखे हैं, ये सब चीज़ इन लोग का क्या करता है, काम आ जाता है। तो थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ती है और इनका जो वर्क रहता है, इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके इन लोग क्या है, काम अपना चला लेते हैं। तो स्टोर करने इनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी मूर्ति को ऐसी वेस्ट नहीं कर सकते। अब बहुत मेहनत लगती है एक पर्टिकुलर मूर्ति को बनाने के लिए, देख सकते हैं आप। और झांकी कैसे बनता है गाइस, झांकी बनने के लिए इन लोग क्या करते हैं, एक उसका खाका तैयार करते हैं। खाका इन द सेंस कि भाई किस टाइप का झांकी बनाना है, उसको पहले इन लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद उसका एक पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग इन द सेंस एक रफली स्केच बनवाते हैं एक आर्किटेक्चर से, जो आर्किटेक्चर रहता है उससे इन लोग क्या करेंगे, पूरा स्केच बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क करेंगे। प्रॉपर तरीके से वर्क करने के बाद इन लोग क्या करते हैं, स्केच को देखते हैं, स्केच का एनालाइज करते हैं। स्केच का एनालाइज करने से इनको पता चलता है कि भाई ये जो फील्ड बनने वाला, जी जो झांकी बनने वाला है, उसमें हम लोग वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पूरा कैलकुलेशन करते हैं कितना क्या कॉस्ट आएगा और कितना उसमें लाइटिंग वगैरह लगेगा, कैसे इसका कनेक्शन रहेगा, कैसे कौन सा करेक्टर मूव करेगा, हाथ पर कैसे हिलाना है, इसका चेहरा कैसे हिलाना है, कैसे उसमें मोटर लगेंगे, कहाँ से सप्लाई रहेगा, हर चीज़ एक एक चीज़ का इन लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का प्रॉफिट इनको ये होता है कि भाई झांकी में कितना कॉस्ट आने वाला है और कितने मैन पावर लगेंगे इसमें, कितने इसमें जो स्किल्ड कैंडिडेट लगेंगे, वो सब चीज़ इन लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना क्या मटेरियल लगेगा। जब सब चीज़ इन लोग का डन हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, इन लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना जब स्टार्ट करते हैं, फिर क्लाइंट इनके पास आता है तो बताते हैं कि भाई देखिए इस टाइप का हमारे पास जो अभी करेंट पे झांकी जो बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है। क्लाइंट को पसंद आता है तो क्लाइंट इन लोगों के साथ डील कर लेता है और एक झांकी की कीमत डिपेंड करता है उसमें कितना वर्क हुआ है, तो भी से मान के चला जा सकता है कि भाई 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस झांकी में कितना वर्क हुआ है, ये डिपेंड करता है, और कितना उसमें मेहनत लगा हुआ है। क्लियर गाइस?
तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस झांकी में किस टाइप से वर्क हो रहा है। क्लियर? तो देखिए, ये जो झांकी बन रहा है वो एक जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उस थीम पे हमको झांकी निकालना है। तो इस थीम पे इन लोग का जो झांकी बन रहा है, तो आप यहाँ पर करेक्टर देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का करेक्टर है, फिर यहाँ सुभाष चंद्र जी का करेक्टर है, पीछे आप देख सकते हैं अंबेडकर जी हो गए, उनका करेक्टर है, यहाँ पर गांधी जी के करेक्टर पे वर्क हो रहा है, जो भी उनके हाथ वगैरह है उसको थोड़ा फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करेक्टर पे वर्क हो रहा है। तो इस टाइप से वर्क होता है गाइस। और जो झांकी का ये पहला पार्ट रहेगा, यहाँ पर जो गणेश जी रहेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, स्थापित होंगे, और ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट मतलब पहले पार्ट में ही ये लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पहला ही पार्ट है। यहाँ पर ड्राइवर बैठने की जगह है, और नीचे यहाँ पर अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर दिखेगा जो ये क्या पूरे बॉडी को खींचेगा। खींचने के साथ ये जॉइंटर रहेगा जिसमें सेकेंड पार्ट लगे रहेगा। यहाँ पर बैठने के लिए एक जगह दे दिया गया। यहाँ पर क्या होगा गाइस, पूरा मूर्ति वगैरह रखेगा, जो भी कैरेक्टर लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो सब चीज़ रखेंगे। देख सकते हैं आप कितना सारा होल्डर लगा हुआ है यहाँ पर, जो भी लाइटिंग वगैरह रहेगा उसका यहाँ पर होल्डर लगा हुआ है। जो झांकी का बैक रहेगा, बैक साइड पे क्या रहेगा, ये एक पैनल रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे आपको होल्डर मिलते हैं, जब इसमें पावर सप्लाई जाएगा तो अच्छा खासा यहाँ पर लाइटिंग का वर्क होगा गाइस। तो ये जब बैक पैनल पे जाता है, बैक पे लगता है, तो और इसमें जब लाइटिंग होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे पैनल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। क्लियर गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे वर्क हो रहा है। यहाँ पीछे भी एक पैनल रखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, जैसे बताया कि मूर्ति का इनके पास बहुत सारे स्टॉक रहता है, तो कुछ मूर्ति जो रहेगा, जैसे हनुमान जी का मूर्ति है यहाँ पर, और पीछे भी आप मूर्ति देख सकते हैं, कुछ घोड़े वगैरह भी रखे हुए हैं। और जो भी मूर्ति लोग रखते हैं अपने पास, उसका क्या करेंगे, इन लोग थोड़ा बहुत कलर वगैरह चेंज कर देंगे, फिर उसको नेक्स्ट ईयर पे इजीली तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो मूर्ति का स्टॉक होना इनके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गणेश जी का यहाँ पर मूर्ति दिख रहा है, जो मूवमेंट करता है, तिड़गा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है। यहाँ राम लक्ष्मण जी का है, फिर यहाँ दो करेक्टर रखा हुआ है लेडी का, और यहाँ पर देखते हैं गाइस आप, तो एक माता जी है, छत्तीसगढ़ महातारी बोलते हैं इनको, उनका करेक्टर रखा हुआ है। और यहाँ पर सुवन नृत्य करते हुए दो तीन लेडीज़ है, उसका जो करेक्टर है। और यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, और सब करेक्टर के इन लोग क्या करते हैं, रीयूज़ करते रहते हैं। रीयूज़ मतलब थोड़ा सा उसको कस्टमाइज़ करेंगे। और उधर पीछे रावण का भी आपको करेक्टर दिख रहा है गाइस। तो इस टाइप से इन लोग क्या करते हैं, अपना झांकी का जो बनाने का प्रोसेस रहता है उस पर वर्क करते हैं। क्लियर गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस हिसाब से झांकी का जो बनाते हैं उसमें कितना मेहनत लगता है, और किस हिसाब से उस पर वर्क होता है। तो मिलता हुआ ऐसा आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।